नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है योगेंद्र। आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं किनोवा की खेती के बारे में। किनोवा एक ऐसा पौधा है जो कि पाला और सूखा सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है इसकी। और किसान भाइयों, ये एक वर्षीय गहरी जड़ वाला पौधा है जो कि 1 से 2 मीटर लंबा होता है। इसकी खेती जो कम उपजाऊ मृदा होती है उसके अंदर आसानी से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, बात करने वाले हैं आगे हम इसकी जलवायु की। तो ये -4 से 38 डिग्री सेल्सियस तक बेहतर उत्पादन दे सकता है। और किसान भाइयों, इस फसल में जो 100 से 200 mm जिस क्षेत्र में वर्षा होती है वहाँ पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और जहाँ पर थोड़े बहुत पानी की सुविधा है वहाँ पर भी इसकी खेती अच्छी प्रकार से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आगे बात करने वाले हैं हम इस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो सभी प्रकार की जो मृदा है उसके अंदर इसकी खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि जो कम उपजाऊ हो, निम्न पीएच मान वाली होनी हो, चाहे रेतीली भूमि हो, जो कम नमी धारण करने वाली क्षमता हो, उस पर भी हम इसकी आसानी से खेती कर सकते हैं या एवरेज उत्पादन इसका कर सकते हैं। परंतु हमें बहुत ही अधिक उत्पादन चाहिए तो उसके लिए हमें दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए, वहाँ पर इसकी खेती है जो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है। और किसान भाइयों, एक इस फसल में एक विशेष ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर जल निकास की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, यानी भूमि के अंदर पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए ज़्यादा समय तक। उससे क्या होता है कि जो ये फसल है वो नीचे गिर जाती है, तो हमें जो उत्पादन कम प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, जो किनोवा की बुआई है वो जो नवंबर का प्रथम और दूसरा सप्ताह है उसके अंदर कर देनी चाहिए। और इसमें जो बीज की मात्रा है वो 3 से 4 किलो हमें जो कतार में बोए उसके लिए चाहिए। और यदि हमें छिड़कवा विधि से बोना है तो हमें 5 से 6 किलो बीज की मात्रा ज़रूरत पड़ती है। और किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें एक और विशेष ध्यान रखना है कि जो बीज को हमें बहुत ही गहरा नहीं बोना है और बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही गहरा बोना है। किनोवा का जो बीज है जो छोटा और अंडाकार शेप का होता है, और ये बीज जो कई रंगों के अंदर पाया जाता है, जैसे हल्का पीला, गुलाबी, लाल व काले रंग का भी होता है। तो किसान भाइयों, जो किनोवा की फसल है उसे बहुत ही कम खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है, परंतु हमें बेहतर उत्पादन के लिए इसकी जो गोबर की खाद है वो 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टर डालनी चाहिए, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके, या जो भूमि बहुत ही हल्की है, कम उपजाऊ है, उसके अंदर डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो किनोवा की फसल है उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर 100 से 200 mm वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे बिना सिंचाई के आसानी से उगा सकते। और किसान भाइयों, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती हो और जहाँ की मिट्टी है जो पानी को कम रोक के रखती है, वहाँ पर हमें 2 से 3 सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, जो कि हमें सामान्यतः जो फूल बनते समय और दाना पकते समय हमें अवश्य सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो फसल का उत्पादन है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और किसान भाइयों, आगे बात करते हैं हम इसकी निराई गुड़ाई जो कब करनी चाहिए। फसल के अंदर जो पहली निराई गुड़ाई है वो 20 से 25 दिन के बाद करनी चाहिए, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है वो फूल आने पर यानी 40 से 45 दिन बाद में करनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाएंगे और जो मिट्टी के अंदर वायु संचार है वो भी बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, आगे बात करते हैं हम इसकी कटाई और उपज के बारे में। किनोवा की जो पकने की स्थिति है वो हमें आसानी से पहचान सकते हैं। किनोवा के जो सिट्टे हैं उनका रंग है जो हल्का गुलाबी और हल्का पीले रंग का हो जाता है। और किसान भाइयों, जो है इस फसल को ज़्यादा पकने नहीं देना है, क्योंकि जो दाना झड़ने की समस्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। और सामान्यतम इसकी उपज की बात करते हैं तो जो एवरेज उत्पादन है, हम जहाँ की मिट्टी बहुत ही कमज़ोर हो, कम उम्र हो, कम उत्पादन वाली हो, वहाँ पर हम 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन कर सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रबंधन हो, बढ़िया मिट्टी हो, वहाँ पर इसका उत्पादन हम 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, किनोवा एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जिसके अंदर जो अमीनो अम्ल है, विटामिन है और खनिज लवण है, उनकी जो मात्रा भरपूर पाई जाती है। किसान भाइयों, इस फसल का जो उपयोग है बीजों के रूप में, आटा बनाने के रूप में और पॉपकॉर्न के रूप में भी किया जाता है। दूसरी ओर किसान भाइयों, इस फसल का जो उपयोग है शराब बनाने के लिए,
बिस्किट के रूप में, ब्रेड के रूप में और बहुत सी खाद्यान्न सामग्री उसको बनाने में किया जाता है। बच्चों के लिए बहुत ही एक पौष्टिक जो खाद्यान्न है। किसान भाइयों, जिन व्यक्तियों को जो गेहूं के आटे से एलर्जी होती है वह उनका इन इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटीन प्रोटीन होता है उसका अभाव होता है। किसान भाइयों, जो सामान्य जो किनोवा का दाना है वो उसको खाने पर हमें कड़वा महसूस होगा, क्योंकि उसके अंदर एक सपोनिन नामक पदार्थ की हल्की परत होती है। उस परत को हटाने के बाद जो इसका बीज है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और लाभदायक होता है। और किसान भाइयों, इस फसल की जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 300 रुपये से लेकर 800 रुपये किलो तक इसकी फसल बिक सकती है, जो क्वालिटी के अनुसार बिकती है। और किसान भाइयों, यदि इस फसल के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो फेसबुक पेज है उसको उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं और इस फसल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसान भाइयों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, जिससे मैं आपको नई नई फसलों के बारे में बताता रहूँ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।